जांजगीर चांपा में भूले भाले लोगों के एटीएम कार्ड बदली कर उनके साथ ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल 2 माह पूर्व ही कोरबा के रहने वाले एक युवक ने चांपा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से जब वह पैसा निकाल रहा था तब एक अज्ञात व्यक्ति ने मदद के नाम पर उसका एटीएम लिया और बड़े ही शातिर तरीके से उसे बदली कर लिया। जब तक युवक को इस ठगी का पता चला उसके खाते से 1 लाख रुपए पार हो चुके थे। पुलिस ने मौके से आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं जिसमें एक आरोपी की तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि इसी प्रकार की घटना सूरजपुर जिले के जयनगर में भी हुई थी और वहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चांपा पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी ने ही चांपा में भी ठगी की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसके 3 और साथी हैं। इसी प्रकार अलग अलग जिले में कई भोले भाले लोगों को मदद के नाम पर एटीएम बदली कर लाखों रुपए उड़ा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। उक्त प्रकार का ही अपराध घटित हुआ है जिस पर से दोनों जिला के द्वारा मिलकर प्रयास किया गया, जिसमें से सूरजपुर पुलिस द्वारा जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के निवासी विकास कश्यप को एक आरोपी को पकड़ा गया है। एक आरोपी पकड़ा गया, उनके पास से एक टाटा नेक्सन की कार बरामद हुई और जिन पर से उनको गिरफ्तार किया गया था उसी मामले में हमारे द्वारा जो है न्यायिक मतलब प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था, जिस पर से प्रोडक्शन वारंट जारी उपरांत जो है यहाँ पर उनको लाया गया और विधिवत गिरफ्तार कर मामले में आगे अग्रिम विवेचना की जा रही है।